मध्य प्रदेश में बाबा पॉलिटिक्स एक बार फिर चर्चाओं में है। चुनाव पास आते ही अब नेताओं का बाबाओं के धाम पर तांता लगने लगा है। पर्ची पर लोगों का भविष्य लिखने के लिए प्रसिद्ध पांडोखर सरकार के दरबार में पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंची, जहां उन्होंने पांडोखर सरकार से चुनाव में हरवाने वाले का नाम पूछा, जिस पर पांडोखर सरकार ने कहा वो जिस पार्टी में है उसी पार्टी के एक नेता ने उन्हें चुनाव हरवाया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पांडोखर सरकार के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने पांडोखर सरकार से चुनाव में उन्हें हरवाने वाले का नाम पूछा, जिस पर पांडोखर सरकार ने जवाब में कहा वर्तमान में आप जिस पार्टी में हैं उसी के एक नेता ने आपको चुनाव हरवाया है। पांडोखर सरकार ने कहा नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप ही की पार्टी के व्यक्ति ने आपको चुनाव हरवाया है। पांडोखर सरकार ने कहा कि वह डबरा में आयोजित होने वाले इमरती देवी के कार्यक्रम में चुनाव हरवाने वाले व्यक्ति का नाम बताएंगे। उन्होंने कहा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी आपकी है, दोनों की जनता आप पर भरोसा करती है, इसलिए हारने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपने अपने ही बनाए। वहीं उन्होंने इमरती देवी के नातिन के सवाल पर कहा कि नातिन बोलेगी उनको धाम पर लाए। बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं महाराज जी? मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं, दो मेरे पक्ष पकड़िए। हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग हैं, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में बैठे, आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना, तो ये भगवत कृपा है, पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मैन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी, इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पांडोखर सगा का दर्शन करें, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। जाओ, आपकी नातिन को जवान प्राप्त होगी, लेकिन पांडोखर सरकार लेके आओ। चलिए लीजिए, इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पांडोखर धाम आए तब मैं आपके बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।